कौन बनेगा राजस्थान का सीएम, वसुंधरा, बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर अश्विनी वैष्णव? सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी के आला कमानों का मंथन जारी है, नित नए नाम ऊपर आ रहे हैं। हर रोज लगता है कि यही चेहरा राजस्थान सीएम की रेस में सबसे आगे है, तो कभी लगता है कि अब राजस्थान के सीएम फेस पर मुहर लग ही जाएगी। लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसका सस्पेंस अभी तक खुला नहीं है। राजस्थान के सीएम फेस के लिए कौन कौन से नाम अब तक आगे आए हैं और अब कौन कौन से नाम इस रेस में हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। राजस्थान सीएम फेस के लिए सबसे पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि 50 विधायक उनके समर्थन में है और कुल 68 विधायक उनके साथ हो सकते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे अभी भी सीएम की रेस से बाहर नहीं हुई है। बीती रात जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई है। राजे के बाद दूसरा नाम राजस्थान के योगी बालकनाथ का नाम है। ऐसा लगा कि बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर लगी जाएगी। मुलाकातों का दौर भी चला लेकिन फिलहाल बाबा बालकनाथ के नाम पर भी मुहर नहीं लगी। दिया कुमारी सीएम फेस के लिए तीसरा नाम, जो कि राजस्थान चुनाव से हल्की आवाजों के साथ ही लिया जाने लगा था। रिजल्ट के बाद उनका नाम भी सीएम फेस के लिए खुलकर लिया जाने लगा। एक समय तो ऐसा लगा कि बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी के बीच किसी एक नाम पर ही राजस्थान के लिए मुहर लग जाएगी। ऐसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी राजस्थान के सीएम फेस के लिए सामने आया। लेकिन अब एक ऐसा नाम राजस्थान के सीएम फेस के लिए आया है जो कि सबको चौंका रहा है, वो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। गुरुवार की रात सीएम फेस के लिए उनका भी नाम सामने आने लगा। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबरें भी देनी शुरू कर दी, लेकिन खबर लिखे जाने तक फिलहाल उनके नाम पर भी बीजेपी के आला कमानों की मुहर नहीं लगी है। अब इन पांचों चेहरों पर बीजेपी के आला कमान किस नाम पर राजस्थान के सीएम फेस के लिए मुहर लगाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान की जनता में भी बेहद कौतूहल है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन बनेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इन पांचों नामों को राजस्थान के सीएम के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा बालकनाथ अभी भी राजस्थान के सीएम के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव इस रेस में नए चेहरे के रूप में सामने आ गए हैं, जिससे इस पर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, ये सवाल अभी भी बाकी है। इसका सस्पेंस कब खुलेगा, इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।